भागवत का अर्थ क्या होता है, भागवत कहते किसे हैं? श्रीमद् भागवत ऐसे ग्रंथ का नाम है। भागवत यानी क्या? तीन प्रकार से आपको मैं समझा दूं भागवत किसे कहते हैं। पहला अर्थ है भगवान ही भागवत हैं, भगवान ही भागवत हैं। दूसरा अर्थ है भगवान के स्वरूप को, भगवान को जिस शास्त्र से समझा जाए वो भागवत है। और जो तीसरा अर्थ है जो भगवान का हो जाता है उसे भी भागवत कहते हैं। भगवान का जो हो जाता है वो भागवत हो जाता है, कहते हैं ये परम भागवत हैं। द्वादश महाभागवत का वर्णन आएगा कथा के मध्य में, द्वादश महाभागवत हुए हैं जो भगवान के हो गए, जिनका जीवन भगवान के लिए है। तो ये जो भागवत है ये परमात्मा का वांग्मय स्वरूप है, वांग्मय यानी ग्रंथ रूप में। भगवान विभिन्न अवतार लिए हैं इसका भी वर्णन आएगा। तो हम वैष्णव जन भगवान के वांग्मय स्वरूप के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण का दर्शन करते हैं। और कथा सुनने से, कथा सुनते सुनते जो भगवान का हो जाता है उसे भागवत कहते हैं। तो 7 दिनों तक हम सब भी कथा सुनते सुनते भागवत हो जाएंगे। और यदि विस्तार करूं तो और आपको आसानी हो जाएगी भागवत समझने में। 4 अक्षर हैं, देखिए, भा ग व त। इन 4 अक्षरों का भाव रूप में यदि अर्थ समझ लिया जाए तो आपको भागवत का पूरा अर्थ पता चल जाएगा। भ माने ज्ञान स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप तेज स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप। भवमान्य तेजो स्वरूप परमात्मा, तेज स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा भ। ग ग माने जाना जाए, भ ग। भगवान के स्वरूप को जाना जाए, तो जानने में दिक्कत क्या है? भगवान का स्वरूप और जाना जाए, इसके बीच में दिक्कत क्या है? तो इसके बीच में दिक्कत है भव सागर। इसके भीतर जो ये सागर आकर बैठ गया है जिसको संसार सागर कहते हैं, वही तो भगवान के स्वरूप को जानने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो एक शब्द है बाद में, एक अक्षर है त। त माने तरणी, नौका, जो भव सागर से पार कराने वाली नौका है। तो एक अक्षर बीच में बच गया, क्या? व क्या है? मान लो संसार के सागर को पार करने के लिए नौका में बैठ गए और नौका में छेद हो गया तो तब तो डूब जाएंगे, तब तो इस संसार के सागर में डूब जाएंगे। तो जो व अक्षर है वो किसका परिचायक है? श्रेष्ठ होने का। व माने श्रेष्ठ। तो भागवत का कुल अर्थ हुआ क्या? भगवान के स्वरूप को जानने वाली, अर्थात इस भव सागर को पार करने वाली श्रेष्ठ नौका का नाम है श्रीमद् भागवत। बंधु, जो श्रेष्ठ नौका है, तरणी, ऐसी नौका में हम सब बैठकर भगवान के स्वरूप को भी जानेंगे और भव सागर को भी जानेंगे। इस संसार को सागर क्यों कहते हैं, आपने कभी विचार किया? लोग कहते हैं ना भव सागर,
इस संसार को सागर क्यों कहते हैं? संसार को सागर इसलिए कहा जाता है कि जैसे सागर के एक कोने पर एक तट पर खड़े होइए, दूसरा तट नहीं दिखलाई पड़ता है। सागर के जिस तट पर आप खड़े हैं वो तट तो दिखता है, दूसरा तट नहीं दिखलाई पड़ता, लगता है पानी और आकाश मिल गया है, वो है सागर। तो ये भाव सागर क्यों है? ये संसार सागर से तुलना क्यों की गई? क्यों? क्योंकि इसमें भी एक तट दिखता है, दूसरा तट नहीं दिखता है। जिस तट पर खड़े हैं अर्थात जीवन दिखता है, जन्म दिखता है, दूसरा तट नहीं दिखता है। कौन सा? जाना कब है? दूसरा तट जाने वाला नहीं दिखता है, जिस तट पर खड़े हैं जीने वाला वो दिखता है, जाने वाला तट नहीं दिखता है। इसलिए इसको भव सागर कहते हैं। संसार को भी सागर से उपमा दी गई, तो इस संसार सागर से पार करने वाली श्रेष्ठ नौका का नाम है श्रीमद् भागवत। बोल भागवत भगवान की जय।